शायद ऐसा लग रहा है कि सरकार अराजकता पर हावी होती जा रही है, इसीलिए लगातार कभी आरटीआई में संशोधन की बात कर रही है, कभी नक्सलवाद के ऊपर बात लाकर अर्बन नक्सलवाद का नाम उठाकर कुछ कानूनों को इतना सख्त बनाया जा रहा है जिससे हर व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सरकार विरोधी जो भी आवाज उठेगी उसे दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। मेरा नाम है माया कृष्ण राव, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। मुझे लगता है ये आरटीआई को ही चुना है इस पे दबाव लगाने के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में से एक बहुत मूल राइट है, इसलिए कि वोट जो है, लोगों को वोट देने का जो हक है वो तो एक राइट है ही। यू हैव द पावर टू चूज योर गवर्नमेंट, लेकिन वोट करके जब आपने अपने प्रतिनिधि को पार्लियामेंट में भेज दिया उसके बाद एक सेकेंड राउंड ऑफ डिफेंस चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जो आप जैसे जानते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाएगी। उस गवर्नमेंट जब वो 5 साल के लिए जितवा के हम उनको भेजते हैं तो फिर उनको उनसे सवाल पूछने के लिए कौन होगा, यही है वो आरटीआई। 5 साल के बीच में अगर कोई फंडामेंटल राइट है जो कि गवर्नमेंट को चौकस रखने में जो उसको वार्निंग देने में उससे सवाल पूछने में कोई एक हक है तो यही है वो आरटीआई। और आज वो वही आरटीआई जो कि बहुत एफर्ट के साथ, बहुत काम गया है इसके पीछे, इसको बनवा के इन्होंने पास कराया था पिछले गवर्नमेंट में, अब इन्होंने एक ही ऐसा मुद्दा उठाया है ताकि इसका जो एक पूरा एक इसको एक जुडिशियल स्ट्रेंथ मिला, जुडिशियल इंडिपेंडेंस मिला था इस राइट को, उसको पूरा वाटर डाउन करने के लिए, उसको पूरा ख़त्म करने के लिए एक ही चीज़ उन्होंने उठाया है कि वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो सैलरी है, उनका जो टर्म है वो गवर्नमेंट के साथ रहे। इसी एक अमेंडमेंट के साथ ये पूरा जो राइट है ये ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं आरटीआई के बाद से नेताओं में घबराहट पैदा हुई, क्योंकि कई सरकारों को घोटाले उजागर हुए, कई जो भ्रष्टाचारी जो सरकारी अफसर थे उनके खुलासे हुए, कहीं इसलिए तो कमज़ोर नहीं किया जा रहा कि सरकार को भी डर हो कहीं उनके भी घोटाले सामने ना आ जाएं। वही तो मैं कह रही हूँ, ये 5 साल में जब सरकार आ जाती है इनके इतने सारे घोटाले, कितने लोग हैं जो पैसे कमा के बैंक को लूट के अब बाहर चले गए हैं, कैसे गए ये सारे लोग, कैसे लंदन और कहाँ कहाँ और पहुँच गए, ये जितने पर्सनल घोटाले भी तो हैं। अब मैं क्या बताऊँ, आज इत्तेफाक की बात है कि हाई कोर्ट में मोदी जी के खुद के सर्टिफिकेट के बारे में कुछ सुनवाई होगी। अब ये हक बनता है कि नहीं कि आप जब फॉर्म भरते हो कैंडिडेट बनने के लिए उसमें सही इन्फॉर्मेशन जाता है नहीं जाता है? हम तो आप पर भरोसा करके ये समझते हैं कि आप अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए खड़े होंगे तो ज़रूर आप सही इन्फॉर्मेशन। अब वही केस आ गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये लोग कहाँ से आई, आरटीआई से, किसी ने आरटीआई दिया? कॉमन सिटीजन दे सकता है ये जो सूचना का जो अधिकार था, ये कहा जाता था कि ये गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत बन गया था पिछले कुछ समय में, जैसा देखने को मिला। पहले कोई प्रश्न करता था उसका जवाब नहीं होता था, लेकिन आरटीआई के जब से आरटीआई लागू हुई, सूचना का अधिकार जब से आम पब्लिक को मिला, तो उसके बाद से एक के बाद एक घोटाले जो जागीर हुए लोगों तक पता लगा कि क्या क्या घोटाला हो रहा है। अब सरकार बार बार इस पर ही हमला क्यों करना चाह रही है? ये सरकार तो ये कहती थी कि हम गरीबों की सरकार है, आज गरीबों के अधिकारों को भी हमला शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा एक हक है जहां पर 60 लाख लोग सालाना इसका फायदा उठाते हैं, यही है आरटीआई। 60 लाख लोग, कितने विसल ब्लोअर्स मर गए हैं पता नहीं, फिगर्स तो इनके पास होंगे, 60-70 से भी ज्यादा लोगों के जान ले चुके हैं लोगों ने, क्योंकि क्या ये विसल ब्लोअर्स है, घोटाले को एक्सपोज करने में के लिए वो तुले हुए थे तो उनके जान ही निकाल दिया आपने। तो ये मॉब लिंचिंग ही लोगों का जान उठाने के लिए, अब आप सुन रहे हैं ना, 49 वेरी इम्पॉर्टेंट एमिनेंट आर्टिस्ट ने कल क्या इकट्ठा होके एक दिया प्राइम मिनिस्टर को
कि आप ज़रा इसका इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इसको एक नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट दीजिए जो मॉब लिंचिंग के पीछे है। ये तो एक बात रही कि हम प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव पर जोर डाल सकते हैं, लेकिन उस सब के बाद जो हक है पूछने के लिए कि आपने किया क्या, ये तो सिर्फ आरटीआई। कहीं ऐसा तो नहीं आरटीआई का जो अमेंडमेंट ये कर रहे हैं जिससे उसे निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी मुद्दे को दबाने के लिए अर्बन नक्सलवाद की जो परिभाषा गठित करे जा रहे हैं और अभी उसमें भी संशोधन करके और उस बिल को इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोले उसे अर्बन नक्सलवादी कह के उसे वो प्रताड़ित किया जाए। वो तो है ही। मैं तो समझती हूँ मोदी जी जब इतने प्रोमिसेस लेके आए और बोले हमें एक सेकंड टर्म दीजिए, हमने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, तो फिर घबराने की क्या बात है? आपने इतने सारे अच्छे काम किए हैं तो लाइए लोगों के सामने। अगर लोग आरटीआई आपके सामने पेश करते हैं, इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इतने घबराए हुए हैं कि आज आप पार्लियामेंट में बैठ के ना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए तैयार हैं, आपने व्हिप को चालू कर दिया कि सारे लोग अभी भी पार्लियामेंट में, हम यहाँ बैठे हैं तो पार्लियामेंट में इसका डिबेट भी नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि एक के बाद एक अमेंडमेंट पास होते हैं। आप इतने अगर आप लोगों के प्रति, लोगों के पक्ष में इतने सारे लॉज और इतने सारे एक्शंस जारी कर रहे हैं, तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?